और मधुर मिश्रा जी और उनके साथ उनके हजारों कार्यकर्ता जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में ये महसूस किया कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश प्रगति की तेज गति से लाभान्वित हो रहे, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक नया ही विकास का दौर पूरे उत्तर प्रदेश को देखने को मिल रहा है, इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है देश की राजनीति को अच्छा बनाने के लिए, देश को तेज गति से प्रगति और विकास से जोड़ने के लिए, और आगे आने वाले दिनों में देश का जो नया चित्र बन रहा है उस नए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक सेवा का साधन, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी रह गई है। इस विषय पे माननीय नरेश जी से मेरी चर्चा हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी की चर्चा हुई और उनको ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होके वो इस देश की और अपने उत्तर प्रदेश की और अधिक मात्रा में सेवा कर पाए, अच्छे तरीके से सेवा कर पाए, इससे उन्होंने आज पार्टी में प्रवेश किया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के बिहाफ पे और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बिहाफ पे उनको उनका स्वागत करता हूं पार्टी में, और मुझे पूरा विश्वास है इनके कुशल नेतृत्व का लाभ भारतीय जनता पार्टी को भी मिलेगा और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विस्तार बढ़ रहा है, जिस प्रकार से देश भर में भारतीय जनता पार्टी तेज गति से आगे बढ़ते जा रही है, आज उत्तर पूर्वी भारत के तीनों राज्यों में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय की विजय के बाद अगली शिखर कर्नाटक में अब भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और उसके लिए हम सब प्रयत्नशील हैं। नरेश जी का योगदान आगे चल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में अलग अलग प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का काम और बढ़े, उसमें भी इनका योगदान रहेगा। मैं तहे दिल से इनका स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने विचार आप सबके समक्ष रखें। हेलो हेलो, वैसे तो मैं मीडिया का बड़ा प्रिय हूं, कोई पर्चा देने की जरूरत नहीं है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूं और मैं समझता हूं कि जब तक राष्ट्रीय पार्टी में नहीं रहे तब तक पूरे राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकते हैं, अपनी सही चीजों को राष्ट्र के सामने नहीं रख सकते हैं। इस बारे में मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी से भी प्रभावित हूं, योगी जी भी से भी प्रभावित हूं, और जिस तरह से सरकार देश का काम कर रही है, चाहे विश्व में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, आज सभी राज्य एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जा रहे हो, इससे दो रहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश उनके साथ है। मैं मुलायम सिंह जी का और राम गोपाल जी का जरूर कभी भी मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके साथ हूं क्योंकि दोनों ने हमको बहुत इज्जत दी। लेकिन समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से मौजूदा में गठबंधन के माध्यम से एक क्षेत्रीय पार्टी की हैसियत से भी हटा दिया, कभी कांग्रेस से गठबंधन, कभी बसपा से गठबंधन, तो समाजवादी पार्टी अपने आप समझ रही कि हम नहीं रह गए, जबकि 2012 में पूरी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दिखी थी। तो जिस तरह समाजवादी पार्टी को समाप्त किया जा रहा है और फिल्मों में काम करने वाली से मेरी हैसियत कर दी गई, एक फिल्मों में डांस कर दें, अपना रोल कर दें, वो लोग उनके नाम पर हमारा टिकट काटा गया, मैंने इसको भी बहुत उचित नहीं समझा और मेरे ख्याल किसी ने भी उसको अपना उचित नहीं समझा। मैं इतना कहूंगा कि मैं जो भी काम मुझे भारतीय जनता पार्टी सौंपेगी मेरी कोई शर्त नहीं है
ये बिल्कुल ना लिखे मैं कोई शर्त पे आया हूं कि राज्यसभा का टिकट मांग रहा हूं या कोई टिकट मांग रहा हूं। मेरा बेटा नितिन अग्रवाल एमएलए है, वो खुल के भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, राज्यसभा में वोट भी देगा। हम भारतीय जनता पार्टी की सेवा करेंगे और मेरा समाज तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसे तो बराबर वो कहता रहता है। तो अब तो मेरा समाज को भी बड़ी खुशी आज हुई होगी कि नरेश अपने ओरिजिनल प्लेस पे आ गए हैं, और मैं अमित शाह जी का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हम पर विश्वास रखा, मोदी जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हम पर विश्वास रखा, और मैं विश्वास पे बिल्कुल सही खरा उतरूंगा, ये विश्वास दिला सकता। धन्यवाद नरेश जी। और इससे पहले कि मैं माननीय पीयूष जी को कहूं कि वो नरेश अग्रवाल जी को सदस्यता पत्र दे, एक बात हम इस मंच से जरूर कहना चाहेंगे कि चाहे चलचित्र में हो, चाहे जीवन के किसी भी पहलू में कोई कार्यकर्ता हो, हर कोई आदरणीय है। भारतीय जनता पार्टी हर किसी का सम्मान करती है, वी रिस्पेक्ट ऑल। अब मैं निवेदन करूंगा नरेश अग्रवाल जी से, नरेश अग्रवाल जी को सदस्यता पत्र। मंत्री साहब ये पहले दे दे। जितना बोलना तो बोल। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।